इसलिए आगे बात जरा सरकार के एक और बड़े फैसले की करती है, और फैसला इलीगल माइनिंग का है, यानी रेत बाजरी और दीगर चीजें जो नदी नालों से हम निकालते थे, इसको लेकर सरकार ने अपने बुनियादी कानून में मजीद सख्ती की है और अमेंडमेंट्स लाई गई है, जो इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ माइनर मिनरल्स है उसको लेकर अमेंडमेंट्स लाई गई है, और अब कलर कोडिंग चालान जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। और ये स्टेप उस वक्त लिया गया है जब लगातार शिकायतें आ रही थी कि जिला माफिया चला रहे हैं और आम लोग परेशान इसलिए था कि उन्हें मटेरियल मिल नहीं रहा था। सरकार का मानना था कि जनाब जो लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो रॉयल्टी पूरी नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने अपने कानून के अंदर तरमीम की है और सेक्शन 23C के तहत जो मिनरल्स और माइंस डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 है उस नोटिफिकेशन के अंदर तरमीम की लाई है, और अब चालान जितने भी होंगे वो कलर कोडिंग QR कोड के होंगे और इसमें हर तरह के आदमी को अकोमोडेट करने की कोशिश की गई, यानी क्रशर यूनिट्स के लिए एक अलाइदा कलर कोडिंग येलो लाइन वाली होगी, इसके साथ साथ ब्लू कलर वाला जो होगा वो सेंट्रल और जम्मू कश्मीर एग्जीक्यूटिव एजेंसियां जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बीकन, ग्रेव, BRO, इरकॉल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दीगर एजेंसियां हैं उनके लिए कलर कोडिंग ब्लू होगी। और इसी तरीके से जो लेसनीज होंगे जी डंपर्स होंगे उनके लिए भी अलहदा तौर पर जो है वो कलर कोडिंग कर दी गई है और साफ कर दिया गया है कि अब जितनी इजाजत होगी उतनी ही रेत बाजरी और दीगर चीजें नदी नालों से निकाली जाएगी, एक्सेस डंप आप नहीं कर सकते हैं और अगर किया तो कानून के हिसाब से अब कुर्कियां होंगी, ताले पड़ेंगे और फिर मामला जो है पेचीदा होगा। यानी जो लगातार शिकायतें थी कि जब से माइनिंग को कमर्शलाइज करने की कोशिश की गई 100% और कहा गया कि देखिए अब बाहर से लोग आ रहे हैं काम कर रहे हैं और फिर वो हुआ नहीं, फिर पंचायतों तक ये मामला देने की कोशिश की गई वहां पर भी कोई ज्यादा पेशरफ नहीं हुई, अब सरकार ने एक और फैसला लिया है कि जनाब जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए चालान QR कलर कोडिंग वाले होंगे और जिनके पास वो होंगे उन्हें कोई नहीं रोकेगा और जिनके पास वो नहीं होंगे तो उनकी गाड़ियां भी सील होंगी, जिस जगह पर वो पकड़े जाएंगे उस जगह को भी यानी उस एरिया में भी पाबंदियां जो है वो आयद लगाई जाएंगी।